मैनुअल है तो कोई मैकेनिकल डिवाइस अवेलेबल किया जाता है कंपनी की तरफ से, तो उसमें मैनुअल दिया जाता है कि आपको कैसे उसको चलाना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसी के अकॉर्डिंग इसका भी मैनुअल प्रोवाइड किया गया है ना बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें आपको हम पार्ट्स का पहले नाम बता देते हैं, ये तो हम जानते हैं स्क्रू ड्राइवर है ना, इसमें टेस्टर भी इंक्लूड है, ठीक है। इसके साथ इसको बोलते हैं मीडियम प्लेट, है ना, क्या बोलते हैं मीडियम प्लेट। आगे इसका जो क्या वर्किंग है ये भी बताएंगे। उसके बाद आ जाइए, ये हो गया 60T गियर। 60T का मतलब होता है, 60T ये टी का मतलब होता है टीथ, है ना। अब इस मैनुअल में नहीं दिया है, हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं। गियर बहुत टाइप का होता है, उसमें से ये इस गियर का, जिस गियर का दांत एकदम उसके एक्सिस के जिसके घूमता है, इसको घूमेगा ना ऐसे या ऐसे ऐसे, पर गियर का जो दांत होता है होता है वो एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट होता है। स्पाइरल गियर भी होता है, वेवल गियर भी होता है, ठीक ना, लेकिन ये है स्पर गियर। उतना नहीं जाना, बस आपके लिए नॉलेज के लिए बता दिया। तो ये 60 गियर गियर इसके वजह से सात वो दांत होगा, अगर नहीं किसका होगा ना वो इसको गिर के बताएंगे विक्रम, इसको गिर कहेंगे, ठीक है, हम उनको बताओगे कि कितना, ठीक है, कहीं से निशान लगा लो और गिर के। और ये हो गया व्हील्स, है ना, ये क्या है व्हील्स, ठीक है, व्हील्स मतलब पहिया, ठीक। उसके बाद आते हैं, इसको बोलते हैं सी, क्या होते हैं सी, क्या बोलते हैं सी, ये सी जैसा दिखता है इसको, सी ये दो पीस है ना हमारा सी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये है एल, क्या है, ठीक है, क्या है ये एल है, स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये हो गया, ये हो गया डाटा केबल, ठीक है, क्या है आजकल यूज पता चलेगा आगे, ये हो गया डाटा केबल। उसके बाद आइए, तो ये है मोटर कंट्रोल रिमोट, क्या है मोटर कंट्रोल रिमोट, अभी पता चलेगा जब रोबो फैन बनाएंगे, पहला आज हमारा एक्टिविटी करना है वो है रोबो फैन का, उसमें एक मोटर कंट्रोलर रिमोट है, ठीक है, अभी दिखेगा आगे आपको। उसके बाद आते हैं, ये पावर डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड है, पावर डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कि किस मोटर में पावर जाना है। यहाँ दो स्लॉट बना हुआ है, ये स्लॉट चेंज करके दिखाएंगे कि उस मोटर कंट्रोलर में क्या चेंज आता है, यहाँ चेंज करने से, अभी बस नाम देते हैं। उसके बाद आइए, तो ये है आपका प्रोग्राम स्विच है, ठीक है, प्रोग्राम स्विच, इसका ये अभी नहीं आएगा, जब हम लोग आपको बनाएंगे ऑब्जेक्ट अवॉइडर वाला तब उसमें काम आएगा, और भी बहुत सारा एक्टिविटी है 10 में से वहां ये काम आएगा, ठीक है। आज वाले लोगों का मिलो सिंपल है। और आगे बताते हैं आपको, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, 60 है, कितना है 60, तो सही है ना, इसीलिए इसका नाम बताया गया 60T, यानी 60 teeth, यानी दांत, इसका भी दांत होता है, इसको दांत ही बोलते हैं, ठीक ना, ये हो गए। अच्छा ये आ जाइए, जो मोटर है, ये मोटर हमारे पास दो है, दो मोटर लगा, ठीक है। अब आते हैं अल्ट्रासोनिक, आपको सेंसर बोल दिए, सेंसर है ना, सेंसर बहुत जगह यूज होता है, कभी आप लोग बड़े मॉल वगैरह में जाइएगा और बड़े अच्छे हॉस्पिटल में, तो आप उस किसी एक ग्लास का दरवाजा होता है, खाली वहां पहुंचेगा ग्लास अपने आप खुल जाता है, देखें कभी किसी मॉल, बड़े मॉल में या किसी बड़े हॉस्पिटल में उसका दरवाजा है, आप पहुंचिएगा कि बस उसका दरवाजा खुल जाता है। उतना भी छोड़िए, गाड़ी सब में कोई छूता है गाड़ी को तो बजने लगता है ना, सेंसर लगा, ठीक है। अभी जो सबसे ज्यादा सेंसर का यूज हम बताते हैं, कोरोना पीरियड में हुआ है, लोग तो छूता नहीं था एक दूसरे को, उस समय जो है लोग दूर से एक आता है टेम्परेचर जांचने वाला, कभी देखे हैं, यहाँ से एक लाइट जाता है आपके शरीर में, दूर से आपको सेंस कर लेगा कि कितना आपका बॉडी टेम्परेचर, वो भी सेंसर से, लाइट सेंसर है ना, उसी तरह से है अल्ट्रासोनिक सेंसर। और आगे आते हैं, ये है LDR सेंसर, है ना, क्या है, ये लाइट की इंटेंसिटी को पकड़ता है ना, रजिस्टर है एक तरह से, लाइट इंटेंसिटी रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद एक और होना चाहिए, हाँ IR सेंसर, क्या है
आईआर सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर बोलते हैं, इंफ्रारेड लाइट को पहचान सकते हैं, ठीक है। इसका भी यूज बताइए कहां होगा, ये जब हम लोग बनाएंगे ना एज अवॉइडर, एज अवॉइडर मतलब अगर उस रोबोट को हम यहाँ छोड़ देंगे तो एज पे मतलब किनारे पे नहीं जाके गिरेगी, किनारे को हट के चलेगी, हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और ये हो गया, ये कास्टर प्लेट हो गया, क्या हो गया कास्टर, और ये हो गया कास्टर व्हील, क्या कास्टर व्हील, ये यहाँ बॉल है अंदर, है ना स्टील बॉल है, ठीक है, बिना फ्रिक्शन किए। इसके बाद ये जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर था ना, ये उसके साथ जुड़ेगा, ठीक, इधर का हो गया आपका। अब इसमें है एडेप्टर, इस तरह चार्जर का होता है ना, इस तरह इसका भी पावर सोर्स से एडेप्टर है, वो लगा के दिखाएंगे हम लोग करेंगे। उसके बाद आ जाइए, ये हो गया कनेक्टिंग वायर, सब दो वायर का है ना, कनेक्टिंग वायर हो गया। अब आते हैं नट बोल्ट्स, क्या है नट बोल्ट, इसमें आपको देखिएगा जब क्रेन बनवाएंगे तो क्रेन के लिए रुक है, बहुत सारा चीज है। ये हो गया मोटर साफ, ऐसा दो साफ जो मोटर में लगेगा, ठीक है। और बहुत सारा है, ये एक्सेल लॉक है, एक्सेल जो होता है इसको घूमता है, उसको लॉक करना है कि बाहर ना आ, उसको लॉक करने का, ठीक है। और हमारे पास नट बोल्ट्स बहुत सारा है, नट और बोल्ट बहुत सारा, ठीक है। हाँ एक और चीज मिला इसमें, ये देखिए इसको 2LD बोलते हैं, वो 60T था, ये 2LD है, मतलब 2LD का मतलब 12 दांत हो गए, क्या होगा 12, गिनिएगा तो 12 होगा, ठीक है, ऐसा दो करवा। तो आप बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। पहले आपको लेना है दो स्मॉल सीड, क्या है दो, देखते हैं बनता है कि नहीं, क्या साइंटिस्ट नहीं है लेकिन ट्राई कर सकते हैं। एक हमको स्मॉल प्लेट की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों ने जो है इधर से आ जाओ, क्या बोलते हैं विक्रम, लोग इसको ऐसे सेट करना, तो तुम लोग को ऐसा ये 60T में ये दो बार है ना, ये स्मॉल बार है, ये दो बार को लगाना है, ये बनाएगा इसका ब्लेड, ठीक है, ये ब्लेड बनेगा। कैसे बना रहे हो, इधर ज्यादा है ना गैप, ज्यादा वाला है और इधर छोटा है, इधर ही ये लगना है, कैसे लगेगा देखो, ठीक है, एक इधर और दूसरा इधर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, चलो देखते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूटर बता चुके हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटर में देखो दो स्लॉट, दोनों में से हम किसी में भी ले सकते हैं, और मेरे पास यहाँ एक मोटर है जो इन दोनों स्लॉट में से किसी में भी दे सकते हैं, और ये अलग अलग है, ये R1 देखो R2, R1 R2 रजिस्टर होता है, R2 जब क्लास 11th में चले जाइएगा तो रजिस्टर का ये देखें यहाँ आपको स्ट्रिक दिख रहा होगा, कलर स्ट्रिक, अलग अलग कलर का इसमें मार्क किया हुआ, कोई भी रजिस्टर उठा लीजिए इसको रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी रजिस्टर उठाएगा उस पर ऐसे ही कलर लिख दिया रहता है, उसके हर एक कलर का अपना मीनिंग होता है। तो अभी तो हम उसके लिए जाएंगे क्लास 11th के, जब आप लोग साइंस रख के जाएंगे तो बात क्यों, पहले देखिए तो इसमें से हम किसी में हम मान लीजिए R1 में ले लेते हैं, इसमें देखते हैं R1 में कनेक्शन हो गया, ठीक। आप यहाँ से देखिए ये डाटा केबल के लिए, ये डाटा केबल हम निकाल लेते हैं, क्या बोले थे डाटा के, ये दोनों साइड सेम ही होता है, ठीक है, दोनों साइड सेम ही होता है, ठीक है। देखो विक्रम इसको हम डाटा केबल इसमें डालेंगे, देखिए इसके लिए अलग स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूटर में डाटा केबल के लिए अलग दिया हुआ है। अब ये इस साइड, ये साइड तो बचा हुआ है, तो ये जाएगा आपका
मोटर कंट्रोलर रिमोट, ठीक है, यहाँ देखिए बना है इसी तरह जैसा इसमें है। अरे खड़ा होकर कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है तो खड़ा होकर देखना पड़ेगा, तुम लोग पीछे बैठे हो ना इसीलिए, ठीक है, इसमें चला गया। आप यहाँ पे देखिएगा पावर सोर्स है ना, यहाँ पे पावर सप्लाई देना है, तो पावर सप्लाई के लिए अब निकलेगा इसका एडाप्टर, ठीक है, ठीक है। मोबाइल चार्जर नहीं है, अब इस पूरे सेटअप को हम लोग पावर सप्लाई के पास लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है पावर सप्लाई होगा, देखते हैं चालू होता है कि डर गए थे। देखो कैसे हो रहा है, उलट स्विच टू स्विच वन, देखो इसका डायरेक्शन कैसे बदल जा रहा है, वोल्टेज नहीं है ना। और देखो अभी ऐसे चल रहा था, अब देखो दिख रहा है, इसमें नहीं चलेगा क्योंकि दो ही है ना, देख रहे हो ये स्विच, देख रहे हो इसके लिए इसमें ज्वाइंट किए हैं, देखो इसके लिए दो अपोजिट है, ये देख रहे हो ये दोनों, ये देखो स्विच स्विच वन स्विच टू, ये कनेक्शन रिवर्स करता है, देखो अभी करेंगे तो ये एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, चल रहा है ना, और ऐसे किए हैं तो क्लॉक वाइज दिख रहा है, बना कि नहीं बना रिमोट। तो ये अभी पहला था एक्सपेरिमेंट, जब तक स्विच दे रहे हैं यहाँ पे एलईडी जल रहा है, देख रहे हो, समझ में आ रहा है, यस सर, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा लग रहा है टेढ़ा इसलिए इसे है, ये तो देखो चल रहा है ना, वोल्टेज कम है इसलिए, उल्टा चल रहा है, ठीक है, यस सर, वो बन गया, ए आराम से आराम से, चलो हो गया, यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, इधर इधर से,